अरे नहीं, वसाई मौसी तो आज यहाँ आई ही नहीं। वसाई मौसी, यहाँ तो वसाई मौसी का नाम लिखा हुआ है, मैम इधर आकर देखिए। हाँ, तुमने सही कहा। ये नोटिस तो इस बात का है कि उन्हें एक टेस्ट देना होगा। अगर वो ड्राइविंग का ये टेस्ट पास कर लेती हैं, तो उसके बाद ही उन्हें लर्निंग लाइसेंस मिल पाएगा, नहीं तो ये टेस्ट उन्हें दोबारा देना होगा। क्या? अगर उसने फिर से टेस्ट दिया तो इसका मतलब उसे दोबारा फीस देनी होगी। आप सही कह रही हैं। अरे नहीं, इसका मतलब मुझे फिर से उसकी फीस भरनी पड़ेगी। देखिए, आप यहीं पर इंतजार करें, मिस मोसाई की क्लास थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। क्या थोड़ी देर बाद? पता नहीं कितना इंतजार करना होगा। वो सब लोग भी पास होकर चले गए जो मिस मोसाई से पहले आए थे। पता नहीं मिस मोसाई को इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर रुको। पर उन्हें देखकर लगता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। वो हार नहीं मानेंगी। बात यह है कि वो हर काम धीरे धीरे करती हैं। बल्कि ये तो उनकी अच्छी आदत है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। समझ नहीं आता कि लोग मुसाई की तारीफ क्यों करते हैं। काश लोग मेरी भी इसी तरह तारीफ करते। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो अच्छी बात है। मैं मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मुसाई की मदद करनी होगी। बताओ ये क्या है मुसाई? ये रोड ट्रैफिक साइन है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है कि ये एक साइन है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अरे ये तो मुझे भी पता था, योशिनागा मैम ने क्लास में बताया था। चुप रहो। इसका मतलब है नो एंट्री। देखो इस पर लिखा हुआ भी है। अरे हाँ हाँ, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। इसका मतलब क्या है? लेकिन ये तो नीले रंग का है, इसलिए। मैं समझ गया। डैड डैड सुनिए, मुझे एक साइकिल चाहिए। मैंने सही कहा ना? अच्छा ऐसा है। अरे ऐसा नहीं है मुसाई, इसका मतलब है सिर्फ बाइसिकल और पैदल चलने वालों के लिए। खैर छोड़ो, ये तो बहुत ही आम निशान है। चलो इसके बारे में बताओ मुझे। अरे ऐसा निशान भी होता है? मैं बताऊं, इस निशान का मतलब है कि आपके पसंदीदा सामान पर 10% की छूट है। मैंने सही कहा ना? तुमने बिल्कुल गलत कहा। मुसाई तुम बताओ। मुझे नहीं पता है। तो फिर सुनो, इसका मतलब है कि आगे चढ़ाई है। ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा ही कहते हैं, समझे? चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्या आपने ये एक्शन कामिन की कार मेरे चलाने के लिए बनाई है मैम? नहीं बेटा, ये मैंने मुसाई के लिए बनाई है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मुझे इसे चलाना क्यों होगा? प्रैक्टिस के लिए मुसाई, ताकि जब तुम कार चलाओ तो तुम्हें आसानी हो। ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। क्या तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए? क्या तुम इस बार भी टेस्ट में फेल होना चाहती हो? बोलो मुसाई, क्या सोच रही हो? पर तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि मुसाई, मैं बार बार तो तुम्हारी फीस नहीं भर सकती ना। मुसाई मौसी, क्या एक बार भी ड्राइविंग टेस्ट में पास नहीं हुई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुनो शिनचैन, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। अरे ये तो खैर छोड़ो, मैं तो इसे प्रैक्टिस करवा करूँगी। मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत भी नहीं है। युदान किसी तो कह रहा था कि ये हार नहीं मानेगी। ठीक है, चलो मैं इसे चलाती हूँ। रुको, पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले तुम्हें अपने आसपास अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, समझी? मुझे ये भी करना होगा। हाँ, कोई खतरा भी तो हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। कोई खतरा तो नहीं, रास्ता साफ है। मसाई मौसी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मॉम से भी पूछ लेना चाहिए। हाँ ये तो है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें सब कुछ अपने आप ही करना है मुसाई। आगे सब ठीक है, पीछे सब ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले तुम कार पार्किंग के बारे में जान लो। ये अच्छा नहीं है। अरे नहीं, ये तो सच में। मुसाई मौसी, अब क्या करेंगे? इसकी प्रैक्टिस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है मुसाई। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये देखो, तुम्हारे पास कार पार्किंग के लिए बस इतनी सी जगह है। चलो कार पार्क करके दिखाओ। मैं समझ गई हूँ।
अरे अब मैं गाड़ी कहाँ लेकर जाऊँ? ठीक है चलिए पीछे आ जाइए। आते रहिए आते रहिए। कार टकरा गई है। ये तो शिनचैन की वजह से हुआ। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुमने उसकी बात मानी ही क्यों? अब घुमावदार रास्ते की प्रैक्टिस। तुम्हें चारों पहियों का ख्याल रखते हुए धीरे धीरे चलाना है। अरे बस क्या कर रही है? ठीक है अब हाईवे पर ड्राइव करेंगे। क्या नई हाईवे रोड पर जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, चलिए ना आगरा चलते हैं। ठीक है मुसई कार स्टार्ट करो। ठीक है, मिरर बिल्कुल ठीक है, सीट बेल्ट भी बिल्कुल ठीक है, ब्रेक दबाओ, इंजन स्टार्ट करो, पहले क्लच दबाओ फिर गियर लगाओ, अब ब्रेक से अपना पाँव हटा लो, हम रेडी है, सिग्नल दो और पीछे देखो, एस्केलेटर दबाओ। तुम तो बहुत बढ़िया कर रही हो मुसई, अब धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाती जाओ। वाह बहुत बढ़िया। अब तुम क्यों कार चलाने लग गए शिनचैन? मैं आप लोगों से पहले पहुंच जाऊंगा। तुम कार नहीं चला सकते, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो दीदी? मेरी बात सुनो। अरे शिनचैन क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। रुको शिनचैन, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छी ड्राइविंग की, तुम टेस्ट में जरूर पास हो जाओगी। 28 याहू, मुझे लर्निंग लाइसेंस मिल गया। ये तो अच्छी बात है, मुझको बहुत खुशी हो रही है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। दीदी खुशी की बात, मुझे लर्निंग लाइसेंस मिल गया, मैं पास हो गई। मुबारक हो। हाँ शुक्रिया। देखो ये कितना प्यारा है। पता है दोस्तों, मैं इस खरगोश को लेना चाहती हूँ। पर नैनी तुम्हारे पास तो एक ऐसा खरगोश है ना? हाँ नहीं मेरे पास नहीं है। हाँ है नैनी। हाँ है बिल्कुल है। अरे नहीं, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, इस खरगोश में और उस खरगोश में बहुत फर्क है। क्या सच में? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो ना ये बिल्कुल अलग है। बहुत बुरा सपना देखा। ये लो। पर मॉम मुझे तो गाजर का जूस पीना है। क्या मैंने सचमुच अभी अभी गाजर का जूस कहा? हाँ बेटा मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन मैं दूध ले आई, तुम दूध पियोगी ना नैनी? हाँ। अरे क्या तुम ये पहन कर ही सो गई थी? पता नहीं मैंने इसे कब पहना। ये तो मॉम आपका है ना? हाँ। मैं रख लूँ? पर तुम्हारे लिए अभी ये थोड़ा बड़ा है। इसे मत उतारो। छोड़ दिया था। हाँ तो बच्चों आज सबके लिए मैं एक मजेदार चीज लाई हूँ।
दिखाती हूँ। इसमें क्या है? क्या है? ये तो एक कछुआ है। तो आज हम एक कछुए की पिक्चर बनाएंगे। क्या मुझे भी ये करना है? मैंने क्या कहा अभी? लेकिन मुझे तो कछुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? है ना? क्या तुम यहीं पर हो? ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? क्या हुआ नैनी? मुझे कछुआ पसंद नहीं तो मैं इसे नहीं बनाऊंगी। मैंने ऐसा क्यों कहा? पर तुम तो उन लोगों में से हो ना, जो चाहती है वही लेती है ना? मैं धीरे धीरे तुम्हें समझ रहा हूँ और शायद बहुत जल्दी ही तुम्हें पूरी तरह समझ आऊँगा। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन मैं तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल कर सकता हूँ और इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वो भी हर समय, तो मैं हमेशा बहुत खुश रहूँगा। शायद यही कछुआ देखकर सोया हुआ खरगोश जाग गया। उसे उसके धोखे का बदला जो लेना है। खाना शुरू करते हैं। पता है आज मैं बहुत ही टेस्टी खाना लाया हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। तो मुझको तो सैंडविच में सिर्फ हरी सब्जियाँ ही पसंद है। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। देखो तुम मुझे नहीं बता सकते कि क्या करना है क्या नहीं। वो देखो कजामा का खाना, मुझे तो वही खाना है। नहीं, वो कजामा का खाना है तुम उसे नहीं खा सकते। और वो देखो बसाओ को, उसके पास कितना प्यारा रुमाल है। मुझे उसका रुमाल प्यारा नहीं लग रहा है। अरे तुम्हें क्या हुआ नैनी? मैं बस अभी वापस आती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे नैनी पहले से अभी ठीक है, पर आप इसका ध्यान रखिएगा। मुझे घर जाना है। घर जाके आराम करना। कितनी अच्छी बात है कि तुम अब ठीक हो नैनी। अरे हाँ, उस खरगोश पर अब डिस्काउंट मिल रहा है, तुम्हें चाहिए ना? नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? पर तुम्हें तो वो बहुत पसंद था। पसंद तो था, पर मेरे पास पहले से ही बहुत सारे हैं। चलो ठीक है नैनी, आज तुम बस आराम करो। वैसे तो मुझे बड़े लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद नैनी के साथ फिर रहूँगा। आज मैं यून भैया के साथ